जैसे कि हमने प्रीवियसली देखे थे एपीएम मील और ड्रिल के बारे में, अभी हम चेक करेंगे जो हमारा एक नॉर्मल होल मेकिंग के लिए ड्रिल, ट्रेडमिल एंड जो हमारा रहता है मॉडल चैम्फर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये तो पहले से एक बनाया है प्रोग्राम, ठीक है, इसको मैं बस आपका टूल पाथ बैकवर्ड करके चेक करवा रहा हूँ कैसे हमने किया था। ये सेंटर ड्रिल पहला था, फिर ड्रिल था, फिर उसके बाद हमने किया था मॉडल जम्पर, ठीक है, तो उसके बाद मैंने किया था थ्रेडिंग। ठीक है, वैसे हम सेम एक ऑपरेशन करेंगे पर दूसरे ग्रुप में क्रिएट करके। तो उसके लिए मैं मशीन पे जाऊंगा, इसको पहले मैं टूल पाथ को हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मशीन पे जाके वहाँ पे मेल डिफॉल्ट सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले इसका स्टॉक सेटअप करूँगा। स्टॉक सेटअप के लिए प्रॉपर्टीज, फिर स्टॉक सेटअप, उसके बाद ऑल एंटिटीज सिलेक्ट करके मैंने मेरा यहाँ पे दूसरा ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा ग्रुप बन गया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा सॉलिड मॉडल है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे चैम्फर है और हमें अंदर थ्रेड करना है। तो स्टॉक सेटअप हो गया, तो स्टॉक सेटअप के बाद यहाँ पे टूल पाथ हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो टूल पाथ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, सेंटर ड्रिल, सेंटर डिफाइन करने के लिए। तो डिफाइन करने के लिए जो हमारा होल डिटेक्ट करने के लिए सबसे ईजी प्रोसेस क्या है हमारा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्क ऑन आर्क, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एन आर्क, एक आर्क आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ग्राफिक विंडो एंड मास्टर कम सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ आर्क विथ मैचिंग मैचिंग डायमीटर्स। तो उसके मैचिंग डायमीटर्स रहेगा उसको ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे आर्क सिलेक्शन करना है, फिर इसको ड्रैग करके पूरे सिलेक्ट करने के बाद वो हमारा ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है सेम डायमीटर के। फिर ओके टूल पे यहाँ पे हमें सेंटर ड्रिल करना है। सेंटर ड्रिल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो सेंटर ड्रिल आपको अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगा, अगर नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट टूल करके एक सेंटर ड्रिल बना सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम जा सकते हैं वहाँ पे सेंटर ड्रिल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइजेस मिल जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट योर सेंटर ड्रिल। मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कट पैरामीटर्स पे कुछ करना नहीं है आपको, सीधे लिंकिंग पैरामीटर्स जाके यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट करके डेप्थ में -2 सेंटर ड्रिल, बस सेंटर डिफाइन करने के लिए हमें वो करना है। ठीक है, फिर ओके कर देते हैं। देखिए हमारा ये सेंटर डिफाइन हो गया। तो उसके बाद दूसरा सेम ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम ड्रिल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमें ड्रिल करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कॉपी प्रीवियस पॉइंट्स बोल के, उस पर अगर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्टली लास्ट, देखिए क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो हमने लास्ट सिलेक्शन किया था उसको वो सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ड्रिल पे जाना है, टूल हमें वहाँ पे डिफाइन करना है कौन सा टूल हमें चाहिए, जैसे कि वो हमारा 10 का था, एक मिनट आपको चेक करवा के दिखाता हूँ, वो हमारा 10 का ही ड्रिल है। ठीक है, तो एंटिटीज़ के लिए, एनर्जी एंटिटी के लिए मैंने वहाँ पे सिलेक्शन किया, ये देखिए हमारा 10 डायमीटर का वो है, तो उसको मैं भी 10 का ड्रिल करेंगे। सेम ड्रिल यहाँ पे लास्ट लास्ट सिलेक्शन करने के बाद टूल पे जाके सिलेक्ट लाइब्रेरी टूल, फिल्टर करना है इक्वल टू 10, क्या चाहिए हमें ड्रिल चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रिल जो 10 डायमीटर को हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेंथ अगर कम करना चाहेंगे तो आप कम कर सकते हो, आपने होल्डर जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको होल्डर वहाँ पे चूज करना है। फिर ये हमें पैक्टिल करना है, पैक लिंकिंग पैरामीटर्स एब्सोल्यूट रहेगा, डेप्थ हमें डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और टिप कंप्रेशन देते हैं ताकि हमारा थ्रो वाल है ना, इसीलिए मेरा ये बन गया पैक्टिल। तो इसके साथ साथ अभी हम इसके ऊपर करेंगे मॉडल चैम्फर। तो मॉडल चैम्फर के लिए सेम मॉडल जम्पर टूल पाथ हमें यहाँ से सिलेक्शन करना है। ठीक है, एक अच्छा फीचर है यहाँ पे मॉडल जम्पर, चेंज ज्योमेट्री करके हमें सिलेक्ट करना है मॉडल जम्पर कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसे हम लास्ट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर हमें एरो पता नहीं चलेगा किस तरीके से वो एरो है, इसलिए हमें क्या करना है इसको इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक करके हमें उसको सिलेक्शन करना है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एरो डायरेक्शन सभी का एक तरफ होना चाहिए। ये हो गया, फिर और एक ये, ठीक है, चार हमने सिलेक्शन कर लिया है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एरर डायरेक्शन जो हमने सिलेक्शन कर लिया है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे हमें जाना है मॉडल जम्पर टूल पाथ के लिए। मैंने मॉडल जम्पर का टूल सिलेक्ट कर लिया। कट पैरामीटर्स किस तरीके से वो कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोजिशन डायरेक्शन चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। हमने वहाँ पे जो चैम्बर का विड्थ हमने जितना दिया है उतना हमें करना है, 0.5 का मैंने वहाँ पे दिया था, ठीक है। चेक करते हैं वो हुआ कि नहीं, लेंगे बार बार सब चेक करना है आपको, फिर ओके करना है। तो ओके करने के बाद आपका यहाँ पे टूल पाथ जनरेट हो जाता है। तो इन तीनों हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्रेड मिल करेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं पहले थ्रेड मिल कर देते हैं, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली चेक करेंगे। तो थ्रेड के लिए सेम हमें थ्रेड मिल टूल पाथ यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेम हमें यहाँ पे उसका, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ, सेम आर्क ले लेता हूँ उसको, मल्टीपल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें अभी थ्रेड मिल करना है। थ्रेड मिल के लिए ये जो है हमारा 12 का है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं डायमीटर को। थ्रेड का जो डायमीटर रखेंगे हम 8 तक रख देते हैं, ठीक है। पिच हमारा 1.5 तक रख देते हैं उसको, जो स्टैंडर्ड है उसे रखना है। मैं बस आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कट पैरामीटर्स में जितना आपका नंबर ऑफ एक्टिव ब्रीथ है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। वहाँ पे एक है तो एक भी दे सकते हैं, अगर मल्टीपल है तो आप वहाँ पे मल्टीपल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स में जाएंगे, जैसे थ्रेड पिच, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे पहले से डिफाइन किया था। स्टार्ट एंगल आप यहाँ पे दे सकते हैं, अलाउंस वगैरह दे सकते हैं, टेपर एंगल अगर चाहिए तो वो भी दे सकते हैं अगर टेपर है तो। कंपोजिशन टाइप कंप्यूटर रख सकते हैं, आईडी थ्रेड, ओडी थ्रेड जो आपको ज़रूरत है वो इसके हिसाब कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे ओवरहेड जेमोटी डायमीटर भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट हैंड थ्रेड करना है या लेफ्ट हैंड थ्रेड करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होता है, देखिए कन्वेंशनल मिलिंग और क्लाइंब मिलिंग, ठीक है। और कैसा आपको मशीनिंग ड्यूरेशन करना है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, आप वहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम जाएंगे लिंकिंग पैरामीटर्स पे। तो लिंकिंग पैरामीटर्स पे आपको यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट रखना है, फीड फ्लेम को आप इंक्रीमेंटल रख सकते हैं। टॉप ऑफ थ्रेड कहाँ से आपको करना है, तो मैंने यहाँ पे करना है तो वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर, कहाँ तक करना है थ्रेड डेप्थ आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा नहीं करना, -15 तक करना है तो मैं वहाँ तक ले लिया। तो ये हमारा हो गया चारों, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम अभी इसको क्या करेंगे, एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा पहला था, सेंट्रल डिफाइन हो गया। टूल थोड़ा मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये हमारा सेंट्रल ट्रिल, ट्रिल के बाद बैक ट्रिल करती है। उसके बाद हमारा मॉडल चैम्फर देखिए, 0.5 का मॉडल चैम्फर, ठीक है। फिर इसको तो हमारा थ्रेड मिल हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया थ्रेड मिल। तो ये था हमारा पूरा ऑपरेशन, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करेंगे। वो एक्चुअल दूसरा भी मैंने यहाँ पे ऑन किया था, इसलिए वो ऐसा फॉल्ट आ रहा है।